समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर इस वक्त पूरे ही देश भर में सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। आपको बता दें, बीते कई दिनों से गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में वह एडमिट हैं, लेकिन बीते रविवार की शाम अचानक उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके चलते उन्हें आईसीयू में एडमिट करा दिया गया। आपको बता दें कि अब मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने बताया है कि अब 24 घंटे उनके लिए काफी अहम है। यहां पर कई डॉक्टर उनकी देखरेख में लगे हुए हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सांस लेने में दिक्कत बढ़ने के साथ ही उनका बीपी लो हो गया था, जिसके चलते उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। वहीं वेंटिलेटर सपोर्ट पर इस वक्त हैं मुलायम सिंह यादव। ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होने से उनको सांस लेने में दिक्कत काफी ज्यादा होने लगी थी। बीते लंबे वक्त से वह बीमार चल रहे हैं। आखिरकार वह किस गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, इस इलाज के बीच खुलासा हो चुका है कि किडनी और इन्फेक्शन के चलते मुलायम सिंह यादव की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। जी हाँ, आपको बता दें, दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को यूरिन इन्फेक्शन, सांस लेने में दिक्कत और किडनी की समस्या के चलते हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। वहीं डॉक्टर्स के मुताबिक अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा नाजुक भी बताए गए हैं। वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं इस वक्त मुलायम सिंह यादव। वहीं इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे कि यूरिन इन्फेक्शन से इस वक्त जूझ रहे हैं मुलायम सिंह यादव। यूरिन इन्फेक्शन को यूटीआई भी कहा जाता है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिन इन्फेक्शन यूरिन सिस्टम यानी कि किडनी, मूत्र वाहिनी, यूरिन मार्ग में से किसी में भी हो सकता है। महिलाओं में पुरुषों से ज्यादा यूटीआई होने की संभावना होती है। यूटीआई बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये वायरस और फंगस के कारण भी होता है। यूटीआई वैसे तो कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन महिलाएं यूरिन में जलन होने पर डॉक्टर्स को दिखाने में लापरवाही भी बरतती हैं। वहीं इस गंभीर बीमारी से इस वक्त पीड़ित हैं मुलायम सिंह यादव। जानकारी के लिए आपको बता दें, यूरिन इन्फेक्शन के 3 प्रकार होते हैं, किडनी इन्फेक्शन, यूरिन मार्ग इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन। और इस तरीके से यहाँ पर अब यूरिन इन्फेक्शन के साथ साथ वह किडनी की समस्या से भी जूझ रहे हैं, उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव पर हैं। फिलहाल मुलायम सिंह यादव की सेहत को लेकर सलामती की दुआएं मांगी जा रही हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि अब उनकी हालत में पहले के मुताबिक काफी सुधार भी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।